अक्खा साहिब के ना चाहते हुए ईशान लेकर आया सभी को शादी करके दुल्हन के रूप में। वही ईशान के कहने पर अक्खा साहिब को करना पड़ता है ईशान और सभी के गृह प्रवेश। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार के जहाँ आने वाले एपिसोड बहुत ही बड़ा धमाकेदार देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर ये देखने को मिलने वाला है कि सभी के ऊपर एक बहुत बड़ा मुसीबत आ चुका है, क्योंकि सभी के आजूबा को समृद्ध ने किडनैप कर लिया है और वह सभी के सामने ये शर्त रखा है कि अगर सभी समृद्ध से शादी करेगा तभी उसके आजूबा को जिंदा छोड़ेंगे, वरना उसके आजूबा को जान ले लेंगे। इससे सभी बहुत ज्यादा घबराती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि उसके आजूबा के जान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। लेकिन ये सब ईशान को जैसे ही पता चलता है तो ईशान को भी बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि हेरनी ने ईशान को खबर कर दी है कि सभी किस मुसीबत में फंस चुकी है और इस मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ ईशान ही बचा सकता है सभी को। इसलिए ईशान उठा लेने वाला है एक बहुत बड़ा कदम, वहीं अपने शादी को बीच में छोड़कर सभी को बचाने आ जाता है। से वहां हो जाता है बहुत बड़ा बवाल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ईशान सभी को समृद्ध से बचाने के लिए करना पड़ता है सभी से ईशान को शादी, इस वजह से ईशान और सभी की शादी हो जाती है। लेकिन आगे के एपिसोड देखना बहुत ही मजेदार होने वाला है कि जब ईशान सभी को भोसले हाउस दुल्हन के रूप में ले जाता है तो वहां पर टूट जाती है रीवा का दिल। ऐसे में दोस्तों कमेंट करके बताएं ईशान सभी से शादी करके अच्छा किया या फिर नहीं।